हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से आपको वही बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, आप इनको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब एक्स एंड वाई ही आपको निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं कैसे, वैसे ही जैसे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट है, देखिए आपको ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, ये सेकंड इक्वेशन दे रखी है। फिर से हमारा मोटिव स्टूडेंट्स वही होना चाहिए कि या तो एक्स कैंसिल हो जाए या वाई कैंसिल हो जाए। देखिए अगर यहाँ पे पी है मुझे साथ में क्यू चाहिए, यहाँ पे क्यू है मुझे साथ में पी चाहिए, ताकि ये भी पी क्यू बन जाए, ये भी पी क्यू बन जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन को इंटू क्यू कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन को इंटू पी कर देंगे। तो पहली पूरी इक्वेशन को क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू इंटू पी इज पी क्यू एक्स, क्यू इंटू क्यू वाई क्यू स्क्वायर वाई, q इंटू पी पी क्यू, क्यू इंटू माइनस क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, पी इंटू क्यू पी क्यू एक्स, पी इंटू माइनस पी माइनस पी स्क्वायर वाई, पी इंटू पी पी स्क्वायर, पी इंटू क्यू इज पी क्यू। अब साइन चेंज कर देते हैं बिकॉज कैंसिल करना पड़ेगा, ये आपके पास कैंसिल हो जाता है साइन चेंज करने से। और एक देखिए यहाँ पे पी क्यू है और यहाँ पे माइनस पी क्यू है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा आपके साथ। तो यहाँ पे क्या बचता है, क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई, तो लिख देते हैं क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई। यहाँ पे क्या बचता है, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, लिख देते हैं माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। दोनों में से मैंने बोला था या तो एक्स कॉमन आना चाहिए या वाई, तो यहाँ पे वाई कॉमन आ रहा है, वाई ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बच जाता है, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हो सकता है अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एक तो ये उल्टा हो जाता है और साइन प्लस हो जाता है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस फिर आएगा क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या जाती है, माइनस वन। स्टूडेंट जीरो नहीं लिखना है ये, अगर आप नीचे लेके आते हैं तो ये वन पे कैंसिल होगा, जीरो नहीं होता है। तो वाई इज इक्वल टू माइनस वन। अब वाई की वैल्यू माइनस वन आ गई है, तो आप या तो इसमें पुट कर दीजिए या इसमें पुट कर दीजिए। तो पुट वाई माइनस वन इन इक्वेशन नंबर वन। तो इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं, पी एक्स प्लस क्यू वाई, वाई की जगह माइनस वन इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो पी एक्स आपके पास आ गया, क्यू इंटू माइनस वन इज माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो आपके पास ये माइनस क्यू और माइनस क्यू कैंसिल हो गया, तो पी एक्स की वैल्यू क्या जाती है, पी, पी से पी कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू अगेन वन आ जाएगी, जीरो नहीं लिखना है, वन होगी, पी बाय पी इज वन, तो एक्स इज इक्वल टू वन। तो एक्स एंड वाई निकल गया है, तो आपका ये सॉल्यूशन सॉल्व हो गया है। वैसे ही करना है जैसे हम एलिमिनेशन करते ही हैं, बस बिकॉज ये पी क्यू ए बी ये सारे वेरिएबल्स यूज किए हैं तो कन्फ्यूज नहीं होना है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजिली आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट देखिए, आपको फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, सेकंड इक्वेशन दे रखी है। अब फिर से वही है, एक्स को सेम बनाएं या वाई को सेम बनाएं, तो अगर इधर ए एक्स है इधर बी एक्स है, तो इधर साथ में ए के साथ क्या होना चाहिए, बी, और बी के साथ क्या होना चाहिए, ए, तो सही बन जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड इक्वेशन को हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूरी पूरी इक्वेशन करते हैं, बी इंटू ए एक्स इज ए बी एक्स, बी इंटू बी वाई इज बी स्क्वायर वाई, बी इंटू सी इज बी सी, ए इंटू ए बी ए बी एक्स, ए इंटू ए वाई ए स्क्वायर वाई, ए इंटू वन इज ए इंटू सी इज ए सी। जब आपने कर दिया है तो अब कैंसिल करने के लिए देखिए साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि एज इट इज ऑपोजिट नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, तो बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचता है, बी सी माइनस ए माइनस ए सी, तो वही लिख देंगे। अब देखिए एक्स या वाई में से कुछ कॉमन आना चाहिए, यहाँ पे वाई कॉमन आ रहा है, तो वाई ले लेते हैं कॉमन, वाई कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड एज इट इज, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है इसमें। तो आप y की वैल्यू क्या लिखेंगे, दिस, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स कई बार आप आंसर कहीं पे चेक करते हैं तो आपके डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि आपका आंसर गलत है। देखिए अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगा, फिर आपको ऊपर भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ के साइन चेंज हो जाएंगे, तो वो करने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं, बट अगर आप ऐसे भी आंसर छोड़ेंगे तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो अब आपके पास देखिए वाई निकल गया है, वाई निकल गया है तो किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, या तो फर्स्ट या सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई
y की जगह पूरी की पूरी वैल्यू डाल दी ऊपर वाली, इज इक्वल टू सी। तो ए एक्स प्लस, अब मल्टीप्लाई करते हैं बी इंटू बी सी, बी स्क्वायर सी, बी इंटू माइनस ए, माइनस ए बी, बी इंटू माइनस ए सी, माइनस ए बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो ए एक्स इधर एज इट इज आ गया। अब देखिए ये सी है, ये पूरा का पूरा उधर जाके माइनस हो जाएगा, और पूरा ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट जरूर डालिए बिकॉज बाहर माइनस है, साइन चेंज होंगे। तो अब देखिए नीचे ए एक्स एज इट इज है, तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए सी इंटू बी स्क्वायर सी, सी इंटू माइनस ए स्क्वायर सी माइनस, अब ये तो पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर वाला एज इट इज आएगा, बट ध्यान देना है बाहर माइनस है, तो माइनस बी स्क्वायर सी, ये माइनस ए बी है तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी, क्योंकि बाहर माइनस था, माइनस ए बी सी है तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी सी। तो बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी कैंसिल कर देंगे, तो इधर आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसमें से इसमें से इसमें से तीनों में से हम माइनस और ए कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए के निकाल दिया तो ए सी बचा, यहाँ पे प्लस था बट बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस आएगा, ए बाहर ले लिया तो क्या बचा बी, यहाँ पे प्लस था बट बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो साइन माइनस हो जाएगा, ए बी सी में से ए बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा बी सी, ठीक है। तो अब ए से ए भी कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, माइनस ए सी, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस बी, माइनस इंटू माइनस प्लस बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ऐसे आप सॉल्व कर देते हैं। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही आपका काम है, आपने यही लेक्चर प्रैक्टिस करके हमें पिक्चर्स भेजनी है, तो आपका जो टेस्ट का भी रिजल्ट है वो बाय टुमारो आपको मिल जाएगा, या हो सकता है आपको मंडे को ही मिल जाए, तो आप उसका भी ध्यान दीजिए। आपको हर एक क्वेश्चन के स्टूडेंट्स हम मार्क्स भेजेंगे, तो जो भी मार्क्स आएंगे आप उसको अपने सॉल्यूशंस के साथ ज़रूर टैली कीजिए, बिकॉज बहुत मुश्किल हो जाएगा हर एक को डाउट्स बताना थ्रू व्हाट्सएप। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है कि नंबर क्यों कटे हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो आप सॉल्यूशन को रेफर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या गलती की है। फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।